हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सामान आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक तो है पेनिनसुलर रिवर्स और दूसरा जो टॉपिक है वो नर्मदा रिवर है, यानी कि इन दो टॉपिक्स को देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं इंडिया का जो वॉटर सिस्टम है, जो रिवर सिस्टम है, यहाँ से शुरू करेंगे। इंडिया के अंदर हम तीन वॉटर डिवाइड देखते हैं। जो पहला मेन तीन है, जो पहला जो वॉटर डिवाइड है वो इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में यहाँ देखते हैं। जो दूसरा वॉटर डिवाइड है वो विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज, महादेव, कैमूर, मैकाल और छोटा नागपुर, ये एरिया एक हाईलैंड बनाते हैं। इसके इधर वाली रिवर नीचे रहती हैं और नॉर्थ वाली रिवर गंगा रिवर की पार्ट बन जाती है। एक और वॉटर डिवाइड है वो है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इस एरिया में जो वाटर डिवाइड का बहुत ज्यादा काम करता है। डेक्कन प्लेटू की जो मोर देन 50% रेनफॉल है वो वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाले पार्ट में हो जाती है, यानी कि 50% से कम रेनफॉल में इतने एरिया को सर्वाइव करना पड़ेगा और 50% से ज्यादा रेनफॉल इस एरिया के अंदर आती है। और यहाँ डेक्कन प्लेटू में हम देखते हैं जो बे ऑफ बंगाल के अंदर जो रिवर फ्लो करती है वो रिवर महानदी, रिवर गोदावरी, रिवर कृष्णा और रिवर कावेरी है। और जबकि अरेबियन सी के अंदर जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो रिवर नर्मदा, रिवर तापी दो यहाँ दिखाई हैं। और यहाँ पर केरल एरिया के अंदर एक रिवर है जिसका नाम भरतपुज़ा है। इसके अलावा गुजरात की दो रिवर और है, साबरमती और माही। अब हम इस मैप को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं जो डेक्कन प्लेटू है, जो इसका स्लोप है, जो ढाल है वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि रिवर्स को देख के हम इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि उस एरिया का ढाल किस तरफ में पड़ता है। अब हम देखते हैं, जैसा कि आज की वीडियो का टॉपिक है पेनिनसुलर रिवर्स, तो पेनिनसुलर रिवर्स वाले टॉपिक को शुरू करते हैं। ये पेनिनसुलर इंडिया है, यानी कि विंध्या और सतपुड़ा के जो नीचे वाला एरिया इसको डेक्कन प्लेटू बोलेंगे और पेनिनसुलर के अंदर ये सेंट्रल हाईलैंड भी जुड़ जाते हैं। तो इसमें देखते हैं जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनसे जो रिवर निकलती हैं वो छोटी होती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। और जो बिना डेल्टा बनाए कोई रिवर अगर वॉटर बॉडी में मिलती है तो उसको बोलते हैं रिवर मेक्स एन एस्चुरी। यहाँ बे ऑफ बंगाल के अंदर जो रिवर फ्लो करती हैं वो है द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा और द कावेरी। जितनी भी बे ऑफ बंगाल की रिवर्स हैं ये सभी रिवर्स डेल्टा बनाती हैं। आप इंडिया का आगे को बढ़ा हुआ ये भाग आप क्लियरली नोट कर पा रहे होंगे, इन रिवर्स ने डेल्टा बनाकर यहाँ एल्यूवियम को जमा कर दिया, यानी के वॉटर बॉडीज के अंदर ये लैंड एरिया आगे को बढ़ रहा है। चलिए अब रिवर नर्मदा के बारे में देखते हैं, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो अपना पानी अरेबियन सी में डालती है। इस रिवर की लेंथ 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर लंबी ये नदी दो माउंटेन रेंजेस के बीच में फ्लो करती है, विंध्या और सतपुड़ा। दो माउंटेन रेंजेस के बीच में फ्लो करने के कारण इस रिवर को जितनी भी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं वो इसको परपेंडिकुलर मिलती हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर मिलती हैं। जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं उनका नाम बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। पहली ट्रिब्यूटरी का तो नाम देखते हैं वो है द शेर, शेर का मतलब लॉइन। बाकी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका जो हमारे किचन से रिलेटेड जो नेम्स हैं वो है जैसे जा दा दुधी, दा तवा, दा शक्कर, यानी ये सारी किचन वाले जो नाम है, दा गंजल, ये इसकी तीन चार इंपोर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम है। और जो तवा जो रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी है वो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा पानी इसके अंदर डालती है। अमरकंटक से स्टार्ट होती है ये रिवर जो कि मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक के बाद यहाँ आप स्टार टू देख रहे हैं और स्टार टू का मतलब क्या है, यहाँ पर जबलपुर नाम की जगह है। जबलपुर एरिया के अंदर ये रिवर मार्बल रॉक से क्रॉस करती है जहां पर ये छोटे छोटे झरने बनाती है और इंग्लिश में इसको देखेंगे प्लंजिज ओवर द स्टीप रॉक्स। प्लंजिज का मतलब यानी कि रिवर फोर्स से पानी डालती है। अभी डायग्राम में देखते हैं जो रॉक्स हैं इनको सीढ़ियों की तरह, स्टेज की तरह देख रहे हैं। जो रिवर का पानी है सीढ़ियां उतरते हैं, ऐसे उतरता है, जो छोटी छोटी सीढ़ियां बनती हैं इसको बोलेंगे, एक टेक्निकल वर्ड है, द रिवर प्लंजिज ओवर द स्टीप रॉक्स, यानी पानी स्पीड से गिरता है।
और जहां ये ऊंचाई बढ़ जाती है वहां पर एक झरना बन जाता है जिसको हम फाल बोलते हैं। और जबलपुर एरिया के अंदर एक फाल है जिसका नाम धुआ धार है, कि जो प्लंज पुल बनाती है वो यहाँ स्टार्ट टू जबलपुर एरिया में बनाती है। यहाँ पर गोर्ज के बीच में भी ये रिवर फ्लो करती है। इसके बाद देखते हैं स्टार वन। स्टार वन एक बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन है, जगह है, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम ओंकारा कुंड है। आप इंडिया में जितने भी शिवलिंग देखते हैं मंदिरों के अंदर, भगवान शिव के मंदिर के अंदर, उन शिवलिंग्स के अंदर जो बीच में जो लंबे वाला जो पत्थर होता है जिसको हम बनालिंग बोलते हैं, ये केवल नर्मदा रिवर में पाया जाता है पूरे इंडिया के अंदर। यानी कि ओरिजिनल शिवलिंग होगा उसका जो स्टोन होता है वो केवल नर्मदा रिवर में। यहाँ पर एक जगह है जिसको ओंकारा कुंड बोलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जो कि भोपाल से लगभग 100 या 150 किलोमीटर के साउथ वेस्ट में लाई करता है। अभी हमने जो मैप में देखा इसी को रिटर्न फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं द पेनिनसुला रिवर्स। पेनिनसुला रिवर्स तीन पार्ट में डिवाइड है। पहले वाला सेंट्रल हाईलैंड वाली रिवर्स, दूसरा डेक्कन प्लेटू की रिवर्स, और डेक्कन प्लेटू में फिर दो पार्ट हो जाते हैं, एक वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाली रिवर और दूसरा वेस्टर्न घाट के ईस्ट वाली रिवर। यहां लिखा वेस्टर्न घाट एक वॉटर डिवाइडर, विंध्या रेंज, महादेव, कैमूर, मैकाल ये भी एक वॉटर डिवाइड का काम करता है डेक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड्स के बीच में। अब रिवर्स यहां देखते हैं, ईस्ट वर्ड फ्लोइंग भी रिवर है और वेस्टर्न घाट के वेस्ट में वेस्ट वर्ड भी फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर्स के नाम अभी देख चुके हैं आप। इसके बाद वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर्स अभी हमने देखा था नाम इसके कौन कौन से हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, भरतपुजा जो कि केरल के अंदर है। अब देखते हैं नर्मदा बेसिन। नर्मदा बेसिन का एरिया 98,796 स्क्वायर किलोमीटर है। ओरिजिन कहाँ से होता है इस रिवर का, मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स है वहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो इस रिवर की वेस्टवर्ड है। लेंथ देखें तो इट इज 1312 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं कोर्स। द रिवर फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में कुछ फॉल्ट लाइन आ गई, यानी यह बीच वाला एरिया नीचे धस गया और यहां से ये रिवर फ्लो करती है। डीप गोर्जेस बनाती हुई मार्बल रॉक्स के अंदर, यहाँ स्टार टू दिया है जबलपुर के एरिया के आसपास, ये वॉटरफॉल बनाती हुई काफी पिकनिक स्पॉट है यहाँ पर, इसको बनाती हुई रिवर आगे बढ़ती है। फॉल यहाँ पर जबलपुर के पास एक फॉल है, झरना है जिसका नाम है धुआंधार। द रिवर प्लंजिज ओवर द स्टीप रॉक्स, ऐसे ऐसे करके ये रिवर चलती है, काफी अच्छा लगता है। ट्रिब्यूटरीज अभी हम कर चुके हैं, द शेर, द शक्कर, द दूधी, द तवा, तवा इसकी बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है, द गंजन। इसके बाद डेल्टा, ये रिवर कोई डेल्टा नहीं बनाती। अरेबियन सी में जितने भी रिवर्स मिलती हैं वो सभी एस्टुरीज बनाती हैं। कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर इस रिवर का बेसिन फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन दो स्टेट्स के अंदर इस रिवर का बेसिन फैला हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।